Hey guys, good morning. Welcome back to our channel again, friends. In our another vlog, और मेरी बीवी के पास जो है सुबह सुबह ढेर सारा केला आ गया है आज. मजाक नहीं कर रहा सच में. ये देखिए, इतना सारा केला क्या कीजिएगा आप? देखिए, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बहुत साइज नहीं पूछे, ठीक है? बकलोल गई जी. गेट खोली, कोई आया है. मैं पूछ रहा हूँ केला कहाँ से आया, तो कोई छोटा है, कोई बड़ा है, साइज पूछ रहे हैं आपसे. बहुत मन में जो है ना, सब शैतानी भरा हुआ है. ये देखिए, ये भी आ गया सुबह सुबह. नींद हो गया पूरा. खाली शैतानी भरा मन में. क्या है, हाथ है तो कुछ भी मतलब करते रहिए, मारते रहिए, पिटते रहिए ना. तब क्या, लतियाते रहिए. देख लीजिए बिट्टू, सुनाई दे रहा है ना क्या बोल रहे हैं? हाँ सुन लिए ना. देख लीजिए, ये है, डोमेस्टिक वायलेंस करते रहते हैं हर समय. डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं तो अच्छा, वो सबको दिख रहा है. सबको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? मारे. अच्छा मारे, बोला सबको दिख रहा है, पता नहीं क्या दिखने लगा. अरे गंदा गंदा बात करती है सुबह सुबह, एक गंदी औरत. क्या गंदा आदमी, ये धुका दीजिए मुंह में मेरा. धुका दीजिए, ऐसा ऐसा सब. बट हमको नहीं करना है आपसे बात, हमको नहीं करना है बात. मैं कितना अच्छा अभी कुछ कुछ ऑफर दे रही थी, ये बना दे वो बना दे. क्या ऑफर दे रहे थे? नहीं बोलना है. क्या ऑफर दे रहे थे बोलिए. कुछ नहीं. इन लोगों खाना है केला का भुजिया. वो बोल के गए थे रात में केला का भुजिया, और केला का भुजिया भी अच्छा लगता है मामी. मैंने कहा था कि कोफ्ता बना देंगे, वैसे कोफ्ता बहुत ज्यादा मसालेदार हो जाता है, तो बोले केला का भुजिया भी अच्छा लगता है मामी. ठीक है, अगर दिन भर बारूद खाइएगा तो विस्फोट तो होगा ही ना. हाँ जी, बारूद खाते रहते हैं दिन भर, और सुबह सुबह विस्फोट. इसीलिए शुद्ध सादा उच्च खाना खाना चाहिए, है ना, तुच्छ नहीं. कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, किसके मुंह से ये बोला जा रहा है बात? मेरे इन्हीं क्या कहते हैं, अदाओं से, अच्छे मुंह से, है ना. वो तो कैमरे पे ही बस बस लगता है कि कितना अच्छा मुंह है. खराब है क्या? मैं आज खा ली हूँ पहले ही सैंडविच बना के, मुझे इतना भूख लग रहा था. मैं सोची कि पता नहीं ये लोग कब उठेंगे कब नहीं उठेंगे. अभी मैं जा रही हूँ कुछ देने, पहले मिठाई उठाई खिलाती हूँ. मिठाई उसके बाद. हाँ कुछ गुड न्यूज है ना. अच्छा, आप लोगों को उल्लू बना रही है और कुछ नहीं. आप लोग खुश हो गए, कमेंट करने लगेंगे. मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये जो बकलोली कर रही है खाली बैठे बैठे, दो चार पांच केला आ गया हाथ में तो बकलोली कर रही है. और दो घंटे से बस बेड पे, यहाँ पे जैसे वो नहीं, जैसे सांप लौटता है वैसे ही लौट रही है. सबसे रील बना रही है इंस्टाग्राम पे. मेरा रील बना मतलब 15 दिन हो गया, मेरे इंस्टाग्राम पे प्रॉब्लम चल रहा था, ऑडियो आ ही नहीं रहा था. फिर मैंने अपना दूसरा जो फोन है रेडमी पहले वाला, उसमें इंस्टॉल करके उससे फिर मैं की, अब जाके ऑडियो आ रहा है ऑडियो. तो अभी कौन सा रील बनाए थे? आजा मेरे माही. गाइस, तो मैं अभी तैयार हो करके मैं कहीं जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, मेरे घर में जो मेरी महारानी है, जो मेरे घर की महारानी है, उसका सुबह से तबीयत खराब है. सुबह तो ठीक थी, अचानक से पता नहीं क्या हुआ, दोपहर के बाद से उसको फीवर आने लगा, गले में दर्द हो रहा है, खराश आ रही है. तो फिर आज जो है मैंने अपने इन्हीं मतलब हाथों से खाना बना करके प्यार से खिलाया इसे, तन्नू को. मैंने भी खाया, थोड़ा सा ख़राब बन गया, लेकिन कोई बात नहीं, खाना सभी ने खा लिया है. तो अभी दवाई वही खा के सोई हुई है, लेटी हुई है, और मैं थोड़ा सा जा रहा हूँ किसी काम से, थोड़ा सा बाहर एक घंटे के लिए, एक डेढ़ घंटे के लिए. तो मैं उधर से आ करके उसके बाद फिर इसके लिए दवाई भी लेना है मुझे. तो अच्छा तो नहीं लग रहा है जाते हुए, बट लेकिन थोड़ा सा जरूरी भी है. एक्चुअली मेरा भांजा जो है छुट्टी लिया है उसने स्पेशली, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो वो एसी लेना चाह रहा है. तो वही हम लोग देखने जा रहे हैं मॉल में, क्या पता लेंगे नहीं लेंगे, देखने के बाद पता चलेगा. तो चलते हैं मॉल. ए दवाई ले लेंगे. दवा तो लाए थे लेकिन फिर भी ठीक नहीं लग रहा है, बॉडी में पेन बहुत ज्यादा हो रहा है. बॉडी में पेन हो रहा है ज्यादा, इतना दबा दी है ये हाथ पैर, लेकिन फिर भी हो रहा है. मैंने पूरा एकदम हाथ पैर दबाया है, लेकिन अच्छे से मालिश नहीं किया अभी. तो आने के बाद देखता हूँ, दवाई ववाई लेने के बाद पूरा इसका एकदम अच्छे से आज मालिश करूंगा, ताकि इस बंदरिया का दर्द दूर हो जाए. मतलब बीमारी में मुस्कुरा रही है. तो मेरे भांजा आता ही होगा,
तो मैं जा रहा हूँ उसके साथ मॉल और देखता हूँ उसे कौन सी एसी पसंद आती है, मिलती है या नहीं मिलती है। एक्चुअली इतना ज़्यादा शिफ्टिंग में खर्च हो गया है ना, तो हार्ड कैश तो नहीं लेगा। ईएमआई पे कोशिश कर रहे हैं लेने की, अगर सब कुछ ठीक रहा तो ले लेगा, नहीं ठीक रहा तो फिर देखें आगे क्या करना है। चलते हैं मॉल की तरफ। तो गाइस हम लोग अभी मॉल आ गए हैं और अभी देखते हैं वो एसी पसंद आता है या नहीं आता है। जल्दी जाना भी है हमें क्योंकि तनु 6 बजे ट्यूशन से आ जाती है और हम लोग अभी मॉल में घूम रहे हैं। जल्दीबाजी करके देखते हैं, निकलते हैं फिर। यहाँ ये फाइनेंस का प्रोसेस हो रहा है। भाई जल्दीबाजी में हम लोग एसी छोड़ करके आए हैं तन्नू को लेने के लिए। अभी मैं जा रहा हूँ तन्नू को लेकर के लेने के लिए, जो दवाई लेकर के जा रहा हूँ मैं। मम्मी का तबीयत ख़राब है तन्नू का, जल्दी से तन्नू को छोड़ करके फिर 1 घंटे में जाएंगे हम लोग एसी लेने के लिए। भाई आज तनिषा की मैम ने मेरे से कंप्लेन किया है। कहाँ गई, इधर आओ। इसकी मैम ने मुझसे ये कंप्लेन किया है कि ये सभी बच्चे जो है, जैसे मैम अगर कहती है कि खड़े होकर लर्न करना है, इसको बोलती रही मैम खड़ी होकर लर्न करने के लिए, ये की नहीं। अब आप बताइए, आप कहते हैं कि बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, अब ये बच्चा जो है अपनी मैम की भी बात नहीं मान रहा है, तो फिर क्या बोलूँ इसे मैं, बताओ क्या करूँ। आप लोग कमेंट करके बताइए कि देखिए 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 मैं कुछ बोल रहा हूँ, ये भाग गई। वही माँ बाप नहीं चाहता अपने बच्चों को दूर करने के, लेकिन इसका हरकत ऐसा है ना, सुनती ही नहीं हमारी बातों को, इसलिए हमें कहना पड़ता है कि बोर्डिंग स्कूल भेज दूँ, क्योंकि डर से कुछ तो करे। मैं यहाँ बात कर रहा था, वो देखिए दौड़ के भाग गई कहाँ, अपनी सहेली के साथ। फ्रेंड्स गुड इवनिंग। अभी हस्बैंड लोग दोबारा से गए थे मॉल, उस टाइम शायद वो वीडियो बनाए थे, फिर आ गए थे, फिर दोबारा वो गए हैं। देखिए अभी मैं इस रूम में आई हूँ तो देख रही थी फ़ैन चल ही रहा था, तो जल्दबाजी में निकल कर चले गए होंगे। और अभी टाइम हो रहा है 7, शाम के 7 हो रहे हैं, और अचानक मेरा तबीयत इतना ख़राब हो गया ना, सुबह आप लोग देखे थे वीडियो में मैं बिल्कुल ठीक थी, और अचानक मुझे फीवर, हेडेक, गले में दर्द, मुझे कल से हल्का हल्का था रात से, और गले में दर्द, इतना बॉडी पेन हो रहा था, इतना हस्बैंड इतना मतलब दिन भर वो दबा रहे थे, मेरा सर दबा रहे थे, हाथ पैर, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर वो मेडिसिन तो मैं खाई थी सुबह भी, मतलब दोपहर में, फिर उससे ठीक नहीं हुआ, फिर गए, फिर लेकर आए, मैं बोले चलो दिखला देते हैं, लेकिन मुझे जाने का मन नहीं कर रहा था। तो सुबह तो नहाई थी, ये बोले कि जाओ दोबारा से नहाओ, पहले फीवर हुआ है तो नहाओ ठंडा पानी से, जिससे फीवर थोड़ा उतरेगा। तो अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है मुझे, बॉडी पेन थोड़ा सा कम हो रहा है, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा था। अभी मैं जा रही हूँ अब नहाने के लिए, तब से हिम्मत नहीं हो रहा था मुझे कि मैं उठूँ बेड से, अब ठीक है थोड़ा, तो अब मैं जा रही हूँ। देखिए हालत बहुत बुरा हो गया है, सुबह मैं जल्दी जल्दी में बाल धोई नहीं थी, अभी पूरा बाल धोऊंगी अच्छे से, क्योंकि फीवर हुआ है तो बाल तो धोएंगे तभी कुछ जो भी होता है फीवर, पसीना इतना ज़्यादा हुआ है दवा खाने के बाद, तो वो सब निकल हटाना ज़रूरी है। तो मैं जा रही हूँ, बोलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, पता नहीं वीडियो अब हस्बैंड डालेंगे तो डालेंगे, अभी तो मेरा बिल्कुल ही हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ करूं, एडिट करूं या कुछ भी करूं, एकदम नहीं, डालना होगा तो वो डालेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल मैं चलती हूं, वो लोग गए हैं मॉल दोबारा, अब लेकर आएंगे एसी, पता नहीं उस टाइम क्या हुआ था मुझे नहीं पता। तो चलिए गाइस एसी का परचेजिंग हो चुका है, और इसने अभी कौन सा लिया, गोदरेज, हाँ गोदरेज का एसी परचेज किया है, जो कि अब 1.5 टन का लिया है। हाँ ये अच्छा हुआ, तो जहाँ हमारे एक सब्सक्राइबर हमें समय से मिल जाते हैं रिलायंस डिजिटल में, वहीं से हमने शॉपिंग किया है और अच्छा डिस्काउंट भी मिला वहाँ पे। कल घर पे आ जाएगा और इंस्टॉलेशन परसों होगा। ये 2 दिन 2 रात जो है बहुत मुश्किल से कटने वाला है इसमें गर्मी में लेकिन मौसम ठीक है, ठंडा है, मतलब बारिश वरिश हो जाएगी तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए ये तो इधर का बात, अब घर से ऑर्डर आया है कि वाइफ की थोड़ी तबीयत सही हो गई है, तो बोल रही है कुछ खाने के लिए लेके आने के लिए, तो अब हम लोग थोड़ा ये डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या खाया जाए, क्या लिया जाए, क्योंकि समझ में नहीं आता यार क्या लिया जाए। चलिए देखते हैं रेस्टोरेंट जा करके क्या मिलता है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, ये ली पैराडाइज करके, यहाँ पे ली पैराडाइज नहीं, डी पैराडाइज करके एक रेस्टोरेंट है, वहीं से हम खाना पैक करवा रहे हैं, और अभी हम लोग खाना वाना ले करके फिर घर जाएंगे, उसके बाद देखते हैं कि वो कैसी चहक रही है अभी ये मैंने ये देखिए पार्किंग में गाड़ी लगा रखी है,
अच्छी रौनक हुई है पहले इस बिल्डिंग में, पहले पूरी खंडर थी है, पूरी शॉप्स नए हैं यहाँ पे। तो है फाइनली सारा शॉपिंग वॉपिंग करके एसी वैसी खरीद करके खाना वाना पैक करा करके आ चुके हैं हम लोग अपने फ्लोर पे। और वाइफ बार बार बोल रही है कि जल्दी आइए, तनु को भूख लगा है, तनु को भूख लगा है। अब देखिए खाना देखने के बाद उसको सच में उसको भूख लगा है या नौटंकी कर रही है। अरे जल्दी क्या है ये, क्या है ये? स्केच है, स्केच है। चलो 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 खाना नहीं खाना है। ओ बट चलो जल्दी ये लो ना, ये लो ना। ये देखिए आप लोग जाते समय कितना एकदम लग रहे थे कि एकदम अभी देखिए कैसे एकदम फिटम फाट एकदम होकर के चेंज भी कर लिए जी। नहाएंगे तो क्यों नहीं करेंगे? अच्छा हाँ नहा लिए आप। कैसा लग रहा है? अच्छा ठीक है, चलिए खाना निकालिए, खाइए चुपचाप। I love you.